सो वेलकम बैक गाइस, फिर से सेकंड डे की शुरुआत करते हैं। ड्रेस वगैरह सब चेंज कर ली है और अब मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स मिल गए साथ में। विख्यात आ गया है, आदित्य आ गया और भाई करण का आ गया, करण भी आ गया भाई। दो तीन महीने बाद मिल रहे बोर्ड्स के बाद, अब लोग एक सेमेस्टर ही पूरा होने वाला है। बढ़िया लग रहा है, सब मिले यहाँ पे और अब यहाँ पे कुछ चल रहा है, अभी वहाँ इंजॉय करते हैं। रात तक बढ़िया रहा, मैंने आपको सब बता भी दिया था मैंने क्यों शूट नहीं करा था रूम का। और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं डे टू को और देखते क्या क्या है। सुबह से कुछ ज़्यादा तो करा नहीं है, ब्रेकफास्ट करा था और अब आ गए अपना वापस से कैंपस के अंदर ही और देखते हैं क्या क्या होगा आज। मेन आज तो सारा इन्जॉयमेंट वाला है, कल जा तो जो भी था पढ़ाई वगैरह का, आज इन्जॉयमेंट का है तो इन्जॉय करते हैं, देखते हैं। तो यार यहाँ पर तो सब खाने वगैरह के फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, अब आके चलते हैं और देखते क्या है। यहाँ पर इन्होंने शूज़ वगैरह जो छोटी छोटी कंपनियाँ वगैरह आउटलेट्स खोल रखे हैं उनका है। ये कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी, इन्होंने कल हमें प्रेजेंटेशन भी दी थी अपनी। और ग्रीन रूम्स भी हैं यहाँ पे, एनजी फेस्ट की टी शर्ट्स वगैरह भी मिल रही है। तस्वीर जैसे हो दीवार पे, उसको आस रहेगी रुक्मणी भले ही पास रहेगी। सोफी से उठ कर अच्छा मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा बिल्कुल मैं बोलूंगा ना बोलूं जोर से बता दो। मैं सोफे से उठकर भाग चला, उसकी आशा में भाग चला, दरवाजे से चिटकनी हटाई, देखो देखो सामने मेरे ये कौन है, भीगी पीली सी साड़ी। मैं नेक्स्ट लाइन में हटा देता हूँ जब भी मेरे सामने कोई। वो पता टाइट होते हैं वहाँ से खुल जाते हैं। कुछ तो जीता ब्रो। ये देखो भाई, ये हमारे दो बंदर करतब दिखा रहे हैं। नेगी भाई क्या हाल है तेरे, यानी कहाँ लेके जा रहे हैं? तो यार जल्दी से चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे हमने कर क्लास वगैरह और इंडक्शन अटेंड करा था। तो बेसिकली ये क्लास थी काफ़ी, मतलब क्लास नहीं ऑल टाइप है, थोड़ा सा बेंच ऑडी। और यहाँ पे हमने कल अपना लेक्चर देखे थे, अब जल्दी से चलते कॉन्सर्ट वाले एरिया में, आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पर क्या चल रहा है माहौल। और फिर ये सब होते रहेगा और फिर हम लोग चलेंगे इवेंट में। देखो भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, हैंग करना है अपने आपको, 2000 मिलेंगे और एक है 1.5 मिनट करो तो 500 रुपये मिलेंगे। गया भाई। तो यार अब काफ़ी चीज़ें जो वहाँ की थी वो तो घूम ली है, बाकी अब थोड़ा सा कैंपस और चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, क्योंकि कल तो वैसे हमने कैंपस कम ही घूमा था, जो तीन जो लेक्चर्स वगैरह थे अटेंड करते घूमा फिरा था। बाकी आज विख्यात घुमा रहा है अपना पूरा कैंपस। अब कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग?
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह देखने जाते हैं, आपको लोगों को दिखाता हूँ। कैंपस तो बहुत बड़ा है ये, और ऊपर से सीन क्या हो गया है ना, कल दो दिन से चल चल के पैर थक चुके हैं। लेकिन कोई नहीं, हम जल्दी से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलते हैं, मैं आप लोगों को मिलता हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ। भाई देखो कितना बड़ा कोर्ट एरिया है, कितना बड़ा है। और दो ये हम बास्केटबॉल कोर्ट वाले एरिया में आ गए, दो तो बास्केटबॉल कोर्ट है, दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा देखो, दो खेलना है क्या, मैं भी भाई डंक मारेगा का कोई सा। तो भाई तो दो तो बास्केटबॉल कोर्ट है, दो यहाँ पे फिर आ गई वॉलीबॉल है, देखो वॉलीबॉल हो रहा, दो वॉलीबॉल कोर्ट है, और यहाँ पर पीछे मेरे लॉन टेनिस था ही, इधर की तरफ वॉलीबॉल का है, कबड्डी का इंडोर भी है आउटडोर भी है, क्योंकि जो इनका टूर्नामेंट वगैरह होते हैं वो मैट पे होते हैं। और बाकी आगे दिखाता हूँ आप लोगों को ग्राउंड कैसा है। ये देखो ये लोग भाई लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग बाहर चलते हैं क्योंकि फिर अब कोई डीजे वीजे वाला आ रहा है, डीजे मॉडल। ये देखो यहाँ पर इधर भाई ये कौन सा ग्राउंड है, बैडमिंटन का, इधर बैडमिंटन है, लॉन टेनिस भी है, ये बैठने के लिए सेटिंग हो गई, वाइब है। यहाँ फंस गया है, और ये यहाँ का आउटडोर जिम है, अंदर इंडोर जिम है। और अब कॉन्सर्ट से पहले सब लोग अपनी बॉडी पंप कर रहे हैं, और क्या मतलब कुछ भी नहीं है, अब देखते हैं और जल्दी चलते हैं। भाई अब चल रहे हैं यार, बैग वैग उठाओ और चल रहे हैं फटाफट कॉन्सर्ट के लिए। यहाँ का जिम था, जैनी भाई नहीं गया, पोजिंग तो कर दो, फ्लैक्स तो कर दो, बॉडी ये तो वो कर दिया ही, बॉडी नहीं है। और आज इस चश्मे ने काम बना रखा है यार, वन मोर टाइम, एक और बार, मतलब अच्छा लग रहा है फेस्ट में आकर। और मैं बिल्कुल यहाँ खड़ा हूँ, और मेरे ठीक पीछे ही स्टेज है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है व्यू तो, और मज़ेदार। पीछे मेरे देखो कितनी भीड़ है भाई, पीछे ये वी आई पी एरिया, पीछे से आवाज़ आ रही है, अब बढ़िया लग रहा है। वी आई पी एंट्री में खड़े हैं बिल्कुल बैक स्टेज के नीचे, आपको दिखाया तो बैक स्टेज ये रहा, यहाँ पे बैक स्टेज है। और अभी थोड़ी देर में न्यूक्लियाई का शो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ स्टार्टिंग की शो पे, और दिखाता हूँ लोगों का हाउटिंग भी। ये पीछे वीआईपी एरिया और मेरा है बैक स्टेज एरिया, और बेसिकली इसके पीछे क्राउड है, तो मज़ा आ रहा है सबसे आगे बैठ के, और देखते हैं आगे कैसा होता है। और होप सो जल्दी आ जाए न्यूक्लियाई, और फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ, उसका शो दिखाता हूँ, तब तक के लिए जुड़े ही।
तो प्यार से चला, लोगों को मिल जाना यार का दिल मिला मोहब्बत का यही सिलसिला जी गाइस, पूरा फेस्ट एंजॉय करके मैं आ गया हूँ अपने घर फिर से वापस। तो यार बहुत ही, जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी भी आंखों में नींद आ रही है, सोऊंगा बस अब जल्दी से। अभी आके लगा हूँ घर पर और ठीक 12 बजने वाले हैं, मतलब 11:30 हो रहे हैं, 11:46 12 बजने वाले हैं। और बता नहीं सकता इतना अच्छा, दोनों दिन हमारे बेस्ट दिन गए मेरे तो। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कुछ कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करी। और जो आज का एंडिंग डे था बहुत ऑसम। एक तो अच्छी जगह एंट्री मिल गई, बिल्कुल भीड़ नहीं मिली हम लोगों को तो। और इस पूरे व्लॉग में आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब हर चीज़ मज़ेदार हुई है मेरे साथ, काफ़ी चीज़ें। और जो आखिरी में शाम को न्यूक्लियाई का शो हुआ है, बहुत ऑसम, मज़ा आ गया उसमें तो। और बेसिकली ये जो फेस्ट हुआ है DTU में था, ऑर्गेनाइज बाय DTU था, NG फेस्ट के नाम से। और काफ़ी चीज़ें इसमें हमने सीखने को मिली, जिन्होंने हमें एकोमोडेशन का रजिस्टर करा हुआ था उन्हें कुछ चीज़ें अलग मिली हैं प्रिविलेज की तरीके से। और बाकी उसमें एंट्री का जो इशू थे वो आ सकता था कोई भी, लेकिन जिन्होंने पर्टिकुलरली रजिस्टर कर रखा था पहले कॉलेज की ID वगैरह से, उनका कुछ अलग क्राइटेरिया था। तो बहुत अच्छा रहा, कुछ थोड़ी हर जगह दिक्कत होती है वो थोड़ी सी थी, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा लास्ट डे का तो। और मैंने आपको सब चीज़ दिखाई दी है। और बेसिकली इसमें सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि विख्यात वगैरह और हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे पुराने वो मुझे मिल गए। और बाकी पूरे व्लॉग में मज़ा आया है ना, पूरे दिन में मज़ा आया, दोनों दिन अनिश भाई वगैरह का ऐसी ऐसी बातें करिए, मज़ा आ गया है ना घूम फिर के। और बेसिकली मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें मेरे दोनों फ्रेंड्स, मतलब दोनों क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स मेरे साथ थे कॉलेज के भी, जो हमारे सीनियर्स भी हैं, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, वो जाते रहते हैं। और अच्छी बात थी क्योंकि मीटअप हो गया मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए और भी अच्छा लगा। तो अब मैं घर आ गया हूँ, बोलने की भी हिम्मत नहीं है। तो भाई इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और बस शो सम लव, जल्दी से सब्सक्राइबर्स कराओ यार, शेयर करो दबा के। और जो जो आप लोग ऐसे फेस्ट में जाना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें को अट्रैक्ट करती हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दो। बस शो सम लव, स्टे ट्यून, जय हिंद जय भारत।